दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं कूलपैड नोट 5 को, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है दानिश, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड, सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारे पास है कूलपैड नोट 5 का बॉक्स और आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलपैड की ब्रांडिंग हुई हुई है। यहाँ पे 5 लिखा है बहुत बड़ा सा, यहाँ पे नोट लिखा है और यहाँ पे साइड में 4G छोटा सा लिखा है और साइड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। बस यहाँ पे मिलता है हमें coolpadindia.com, यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं, तो हम इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा डिवाइस, तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमें सिम इजेक्टर टूल मिलता है और यहाँ पे हमें कुछ पेपर वर्क मिलता है कूलपैड की तरफ से, तो आप देख सकते हैं। अभी हम इसको भी साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है एक चार्जर और जैसा कि आप देख सकते हैं ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और ये है एक USB टू माइक्रो USB केबल, तो जैसा आप देख सकते हैं इसको भी अभी हम साइड में रखते हैं। ये है हमारा मोबाइल, तो हम इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कूलपैड नोट 5, तो हम इसका एक फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। ऊपर की तरफ आपको मिलता है 3.5mm जैक, यहाँ पे आपको एक सिम ट्रे मिलती है, यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, यहाँ पे आपको एक माइक मिलता है, यहाँ पे वॉल्यूम ब्रॉकर मिल जाते हैं। और बैक की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाते हैं, ये एंटीना बैंड मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आपको 13 megapixel का रियर कैमरा मिल जाता है एपर्चर 2.2 के साथ और यहाँ पे आपको मिल जाती है LED फ्लैश, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पे कूलपैड की ब्रांडिंग, फिर से नीचे एक कूलपैड की ब्रांडिंग और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एक्सटर्नल स्पीकर। और अगर फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है 5 megapixel का कैमरा 2.2 एपरेचर के साथ, यहाँ पे आपको फोन स्पीकर मिलता है और यहाँ पे आपको मिलती है LED फ्लैश। और ये जो स्क्रीन है वो है 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन और यहाँ पे आपको मिल जाती है नेविगेशन कीज। और अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मिलता है Qualcomm का Snapdragon 617 और इसमें जो रैम दी गई है वो है 4GB और इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 32GB और ये फुली मेटल बॉडी है विद 2.5D कर्व ग्लासेस जो काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में, तो हम इसको जल्दी से बूट कर लेते हैं। यहाँ पे कूलपैड की ब्रांडिंग Alico कंपनी, तो मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ। और दोस्तों ये बूट हो गया, तो सबसे पहले हम इसका फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं। मैंने फिंगरप्रिंट अपना सेटअप कर दिया है और दोस्तों ये थोड़ा स्लो है फिंगरप्रिंट सेंसर क्योंकि काफ़ी देर में ओपन हो रहा है, जहाँ पे मैं यहाँ पे फिंगर रखता हूँ और ये यहाँ पर ओपन होता है, तो ज़्यादा कोई फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर इसका है नहीं। और अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो इसकी स्क्रीन काफ़ी अच्छी है और जो 2.5D कर्व ग्लास है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं इसमें। और हम इसमें जाके देख लेते हैं इसमें हमें कौन सा एंड्रॉइड वर्जन मिलता है। और दोस्तों इसमें जो हमें एंड्रॉइड वर्जन मिलता है वो है 6.0.1 और दोस्तों मैं आपको इसकी सिम ट्रे निकाल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, इसमें एक में सिम डलेगी और एक में सिम या मेमोरी कार्ड में से दोनों में से एक चीज़ डलेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कूलपैड नोट 5 की अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो रोज़ लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।